बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है यूज़ फोर नंबर्स। ये फोर नंबर दिए हुए हैं हर एक पार्ट में, नंबर लिस्टेड बिलो वंस विद द ऑपरेशंस। इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और ब्रैकेट। यहाँ पे डिवीजन का साइन भी आना चाहिए था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो और ब्रैकेट टू राइट अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज इक्वल टू द नंबर्स इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक नंबर दिया हुआ है, इनके अंदर इस तरह से ये वाले साइन लगाने हैं, इसमें आप डिवाइड का साइन खुद से कर लें। ये शायद जो एडिशन बाद में आए उसके अंदर ये लिखा हो, स्पेस भी दी हुई है और ब्रैकेट। तो इन चारों ऑपरेशन ये और ये पांचवी ब्रैकेट, जो भी आप जहाँ पे लगा सकते हैं इनको लगाएं, या इन नंबर्स की कोई तरतीब चेंज करना चाहते हैं वो तरतीब करके आपने ये वाला आंसर लेके आना है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा परेशान होना नहीं है, ये आप एक दफ़ा करोगे चाहे देख के करोगे, दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह आपको बहुत हद तक खुद आ जाएगा, जब तीसरी मरतबा करोगे तो आपको और अच्छी तरह से ये आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस ही इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। तो मैं भी आपको ये सॉल्व करवाता हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है। जैसा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये है कि ये 2, 7, 8 और 9 है, इसका आंसर आना चाहिए 12। तो मैंने इनको एक पेज के ऊपर लिखा है, तो जब आंसर इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है इन नंबरों से, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो ज़्यादा मल्टीप्लाई ऐसे नंबर नहीं आएंगे, तो प्लस माइनस की गेम ही है ये, तो प्लस माइनस का साइन ही यहाँ पर हम लगाएंगे। अब देखें कि जैसे हमने 9 में 8 प्लस किया, तो 9 में 8 को प्लस करें तो क्या आता है, 9 में 8 प्लस करें तो आता है 17, ठीक है ना। 9 और 8 प्लस हो जाएंगे और इसमें से 17 बन गया, 17 में से 7 माइनस कर दो, 17 से 7 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया, 10, 10 में 2 प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस किया, -7 + 2 = 12 आंसर आ जाता है। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको इस तरह ज़बानी तौर पे कर सकते हैं जिसको मेंटल मैथ कहते हैं तो भी ये ठीक है। अब इस नेक्स्ट में आ जाए, इनका आंसर आना चाहिए 18। 5 और 3 को क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें, 5 और 3 5 3 15, 15 में 2 प्लस कर लें, फिर 1 भी प्लस कर लें, इसमें ये 2 भी प्लस कर लें और 1 भी प्लस कर लें। शुरू में प्लस ना भी लिखे तो ज़रूरी नहीं है, अगर लिख भी देंगे तो भी ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट अगर ना भी लगाए तो हमें पता है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई पहले होता है, जो बट मैथ रूल है उसमें मल्टीप्लाई ही पहले होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इनमें प्लस वाले ये करेंगे, ऐसी है ना, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट 41 है, तो 41 में जब हम देखते हैं सारे नंबर्स को, तो इसमें देखें कि ये 4, 6, 8 का इसको मल्टीप्लाई करें, 48, तो 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 8 का 48, इनका आंसर आ जाएगा 48, हमें लाना 41। तो 48 से अगर 7 को हम माइनस कर दें, ये 4 और 3 7 होते हैं ना, इनको हम माइनस कर देंगे तो 41 ही बच जाएगा, यानी कि इसको भी 48 में से इसको भी माइनस करेंगे और 3 को भी माइनस करेंगे, ये प्लस ही रह जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्लस का साइन ही रह जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे कर लें तो भी ठीक है, अगर ऐसे समझ ना आए तो आप इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ये तो वो चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो हम कर सकते हैं ऐसे, 6 × 8 − 3 − 4, ऐसे इनकी तरतीब चेंज कर लें तो भी इसका आंसर ये 41 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है, 21 ही आ रहा है, तो 21 आंसर लेने के लिए हमें इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम ये करेंगे कि 6 में से 2 माइनस कर लें, पहले 6 − 2 ऐसे कर लें और मल्टीप्लाई 8 इनको करेंगे, तो देखें कि 6 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है ना, 4 आ जाता है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 8 = 32 और फिर 32 में से 11 को माइनस कर लें, 32 में से 11 माइनस किया तो 21 आंसर आ जाएगा।
इस तरह करके इनको हम करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, अब माइनस को टू को माइनस करना है तो माइनस का सा टू लिख दें, ये प्लस ही रह जाएगा, इसको पहले कर लें, ये मल्टीप्लाई और ये माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, जो आंसर आएगा उसको एट से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें से इलेवन माइनस कर लिया, या फिर ऐसे इनको चेंज करके ऐसे लिख लें। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखें हमने आंसर लेके आना है टेन, तो टेन में देख लें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फोर टू द एट जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसमें से एट में से सिक्स माइनस कर दें, टू टू में एट को क्या करेंगे टेन हो जाएगा प्लस, तो चाहे आप इसको इसी तरतीब से करते जाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई के बाद प्लस या माइनस होता है, तो जिसको मर्जी आप करते जाएं, एट में से चाहे एट प्लस कर लें, बाद में सिक्स माइनस कर लें, जैसे भी कर लेंगे आंसर हमारा टेन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 44, तो 44 देखें कि हमने किस तरह से लेके आना है, तो 44 लाने के लिए हमें इनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसमें से हमें चाहिए 10 5 तो 50 होता है ना, हमें चाहिए 44, तो किसी तरह हमारे पास 6 अगर आ जाए तो 6 को हम माइनस कर दें तो 44 बन जाता है। तो अगर हम देखें 50 में हम 2 प्लस करें और 8 माइनस कर लें, ठीक है ना, 50 में 2 प्लस करें 52 में से 8 माइनस किया तो हमारा आंसर ये 44 आ जाएगा। तो जिस तरह मैं स्टार्ट में बताया था कि इनमें जो डिवाइड का साइन है वो मिसप्रिंट है, तो वो मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ऑपरेशन जो साइन गिवन है उसके मुताबिक करें तो ये 2 नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी कोशिश किया 2 नहीं आया, तो फिर हम इसको ज़रा इस तरह से करेंगे, 9 प्लस 7 16 होता है ना, और इस तरफ कर लें दूसरा नंबर 5 प्लस 3। अब देखिए 9 और 7 को प्लस करें तो क्या होता है, 9 और 7 को प्लस करें तो 16 होता है, डिवाइड बाय 5 प्लस 3, इधर भी ब्रैकेट आ गई ना, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है 8। अब 16 को 8 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा, तो इस तरह से ये डिवाइड का साइन होना ज़रूरी है, वरना अगर ये डिवाइड का साइन यहाँ नहीं लगाएंगे तो आंसर पे 2 नहीं आता। मैंने सारे ऑप्शन जितने थे ना मैंने काफ़ी टाइम इस पर लगाया लेकिन नहीं इसका हो रहा, तो फिर मेरे माइंड में आया कि डिवीजन का जो साइन है ना वो मिसिंग है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 4 5 7 एंड 9, इसका आंसर आना चाहिए 8। तो इसमें देखें कि पहले हम करेंगे कि इसमें 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 का 20, 20 में अब 7 भी है और 9 भी है, 20 में से 7 को अगर हम प्लस करते हैं, 7 को 20 में प्लस करें, 27 में से फिर 9 को माइनस करते हैं, तो इसमें इसको प्लस करेंगे और फिर इसमें माइनस 9 कर देंगे तो फिर आ जाएगा 18। हाँ ये मैं बताना भूल गया कि मैंने इसकी काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की, जब मैं वीडियो बनाने से पहले प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये मैंने काफ़ी इसकी चेंज अदर बदल करके सारी ब्रैकेट्स डिवाइड ये सब कुछ करके देखा 8 नहीं आ रहा किसी तरह से भी। अगर किसी ने इसका 8 फाइंड किया तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका कमेंट जो है ना वो पिन कर दूंगा। तो मेरा इस तरह से ये इस तरह सॉल्व करने से 18 आ रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद इसका ये 1 है, ये मिसप्रिंट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।